सो वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इब्रार, और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब। मेरा नाम है जाज। मुझे बोलने देगा सर? इसको हमेशा से है, ये मेरा ना बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है। लोग चांद पे पहुंच गए, हम वहीं के वहीं रह गए। देखे हम दोनों बराबर के बराबर है, और हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, और एज अ नेबर मोहल्लेदार भी हैं। और इसने लिए नई सिविक, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, होंडा सिविक, सॉरी। पहले ये होता था हमारी तरह वेला, ठीक है ना, मस्टंडा, अब हो गया सिविक वाला लोंडा। तो बताओ भाई, कैसा एक्सपीरियंस है? यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। अच्छा, और मेरी फेवरेट गाड़ी भी है। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? इससे पहले हमारे पास FX गाड़ी थी। अच्छा, तकरीबन उसको हमने 8 साल रखा था। पिक्चर वगैरह है कोई इसकी? मुझे पिक्चर्स आपको दे देंगे। हाँ, बस अब देनी है। मैं अपने उसका पूरा रिव्यू मेरी यूट्यूब की चैनल पे है। अच्छा, यूट्यूब पे है आपका? ये मैंने ना इसके टाइटल के ऊपर इनका ना नाम लिखा हुआ है, अगर आपने इनको जाके देखना है उनको भी जाके देख सकते हैं। तो और बकाया सारा सीन ऑन है। अच्छा, ये गाड़ी कितने में ली अभी है? या ये हमें ना 8.5 की, मतलब है 8.5 लाख। 8.5 लाख, ठीक है। चलें फ्रंट साइड से शुरू करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। हाँ, सो अभी सीन ऐसा है कि फ्रंट साइड से शुरू करें। आपने अभी इस पर खर्चा करवाया कोई? यार इसकी हमने जो खर्चा कराया ना, उसके बाद हमने इसकी लाइट्स को जो है ना सफाई वगैरह करवाई, बफ करवाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये एक लाइट फिर भी थोड़ी सी जो है ना इसकी मैली गंदी हो गई। हाँ, वो थोड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, उसके नीचे से जो है ना थोड़ा सा वो ठीक है, हवा जो है ना वो थोड़ी सी जाती है, मतलब लीकेज है। हाँ, लीकेज है उसमें, ठीक है। तो उसके बाद ये लाइटों का किराया, फिर ये इसमें ऑरेंज, आपको पता है कि जितनी भी आपको ये वाली, हाँ, ये एम्बर लाइट लगवाई हुई है, जो कि ऑरेंज कलर में है। उसके बाद इसमें हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, शीशे हमने इसके जो है ना वो टिंट करवाए। अच्छा, ये रिम वगैरह इसके जेन्युइन लगे हुए हैं? रिम यार ये शुरू से इसमें जब हमने ली थी तो उस टाइम से यही लगे हुए हैं, ठीक है। मुझे इतने पसंद नहीं है, इसको इंशाल्लाह मैं चेंज कराऊंगा, ठीक है। मतलब 8.5 लाख रुपये में आपको ये चीज़ मिली आपने? वैसे छोटे मोटे किए हैं, बाकी अंदर से थोड़ा बहुत हमने इसको किया, वो हम बाद में आपको दिखाएंगे। बैक साइड से भी दिखाते हैं हम आपको, व्यूअर्स, बैक साइड भी बड़ी कोई पैड़ी हालत में है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी हालत में है, कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह। फिर भी बड़ी हिम्मत है एक FX से जंप मार के सिविक में आ जाना, बिल्कुल बहुत बड़ी सही बात है। और गाड़ी भी वो ली है आपने जो कि वर्ल्ड में फेमस है पेट्रोल खाने में। पेट्रोल में नहीं, अच्छा सीन है ना, ये जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक। ये है कि वाकई में ये एक फेमस गाड़ी है, ठीक है। आपको कार शोज वगैरह जितने भी आपको मिलेंगे ना, उसमें आपको ये गाड़ी सबसे ज्यादा नजर आएगी। फर्स्ट टाइम मतलब पाकिस्तान में सबसे पहला प्रोजेक्ट ही लड़के इसको करना चाहते हैं, इसको, बिल्कुल ऐसा ही है इसमें। अच्छा, आपने ये एक चीज नहीं देखी इसमें ना, ये हमने खुद ही इसको किया था। पहले यहाँ पे ना सिर्फ H लगा हुआ था, तो हमने इसमें वो पहले ब्लैक स्टिकर लगाया, हाँ ब्लैक स्टिकर लगा के हमने कहा चलो शीशे भी ब्लैक, नंबर प्लेट भी ब्लैक, तो उसको भी ब्लैक करना चाहिए। अच्छा, लोगो काफी ज्यादा लगाए हैं, SIR का भी लगाया है। हाँ, SIR भी लगाया, और ये आपने शायद ये लोगों नहीं देखा जिसमें कॉशन दिया गया है कि दिस मशीन हैज नो ब्रेन, यूज योर ओन। अच्छा, दिमाग नहीं इसके पास। हाँ, क्योंकि जहरी बात आपको पता है कि ये इस गाड़ी के जब आप बैठ जाते हो ना, तो आप कहते हो बस स्पीड पे स्पीड दो इसको। तो व्यूअर्स, आपने जैसा कि देखा 8.5 लाख रुपए में इन्होंने 2022 में खरीदी है गाड़ी, और जैसा भी इन्होंने बताई है, कंडीशन भी आपने देखी है, आपको क्या लगता है कि इतनी वर्थ इट रखती है कि नहीं? और मेरे लिहाज से आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट रखती है। पहले ये गाड़ी 6.5-7 लाख रुपये में मिल जाती थी इस कंडीशन के अंदर, लेकिन अभी का जो टाइम है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। अभी तो 10 तक भी पहुंच गई होगी मेरे ख्याल से, तो बहुत महंगी होगी। मैंने उस दिन देखा है पार्क व्हील्स पे लगी हुई थी जी 11.5 लाख की, 11.5 लाख रुपये, बिल्कुल मतलब ऐसी कंडीशन थी, मतलब उसमें ऐसा अच्छा साफ भी नहीं थी। हाँ मतलब यार ये साफ नहीं है कहने का ये मतलब है। यार मैं कसम से शुगर लगा रहा हूँ। अच्छा ठीक, लेकिन कंडीशन एक होती है बहुत ज़्यादा साफ, जो एक होती है रीपेंट, ठीक है ना, ये रीपेंट है जी इसको फ्रेश लुक के लिए, ये फ्रेश लुक की भी है किसी ने, मतलब है ना शॉवर हुई भी है, ये चूना लगा है। हाँ चूना लगा है इसको, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा देख बावे, मजाक, टेंशन नहीं लेनी। नहीं नहीं, टेंशन की कौन सी बात है। अच्छा उस साइड से जा यार, असल में दोस्त यार है, शुगर लगाते हैं जी यार, इससे तो मिलवाया नहीं, ये इसका जुड़वा भाई है, अगर इन दोनों को इकट्ठा खड़ा करें सेम शक्ल है। तो ये आदिल है और वो एजाज है, ये ट्विंस ब्रदर हैं, हम सबका पाकिस्तान है। अच्छा इसमें हम लोगों ने ना ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है, बस इसका मीटर वही है ओरिजिनल अपना जो है, ठीक है। इसको हमने सिर्फ इसमें वाइट LEDs हमने लगवाई पार्किंग इसको, हाँ ये वाइट कलर का ना, ठीक है। वैसे ये येलो कलर होता है इसका जो जानवर है, इसमें हमने ये वाइट करा, इसमें जो
इसकी जो सुइयां हैं इसको हम लोगों ने रेड करवाया। अच्छा रेड। उसके बाद हाँ इसमें हमने एंड्रॉइड पैनल लगवाया। ठीक है, ये एंड्रॉइड पैनल भी दिखा देते हैं आपको। वैसे आपको पता है यहाँ पे टेप होती है और एसी जो होता है ना उसका होता है कंट्रोलर। ठीक है, तो ये वो किधर गया? एसी कंट्रोलर इसका नीचे आ जाता है। अच्छा एसी कंट्रोलर नीचे आ जाता है। कंट्रोलर नीचे आ जाता है। ठीक है, और ये एलईडी यहाँ पे इसका जो एंड्रॉइड है ये यहाँ पे आ जाता है। उसके अलावा तो बस हम लोगों ने इसकी बस सफाई वगैरह की है। अच्छा अंदर से सारा ये अंदर से ऑल इन ऑल अपना ही है। बिल्कुल, ये अंदर से फुल जेन्युइन है। एवरेज क्या दे रही है? एवरेज ये 10 दे रही है सिटी में। 10? ठीक है यार। हाँ ये 8-9-10 इससे मैं का पता नहीं, क्यों 6-7 दे रही होगी। नहीं नहीं इतनी दे रही है, 10 तक दे रही है। इंजन दिखाते हैं जरा। इंजन की कंडीशन देखते हैं। इंजन इसका वैसे चेंज हुआ है। इंजन कौन? इसमें D15 खोलना यार इसको। अच्छा अभी इंजन देखते हैं जी। अच्छा इंजन है, आपने चेंज करवाया? नहीं, इसमें इंजन पहले से चेंज था, इसकी कॉपी में भी ये चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड है। हाँ रजिस्टर्ड है। ठीक है, खोलो यार इसे। अच्छा ठीक है, इसमें D15 लगा है, 2005 होंडा नहीं है? हाँ हाँ, मैं वीटेक इंजन है। वीटेक इंजन है। ठीक है, सो ये सीन है। बाकी इसमें पहले इंटेक लगी हुई थी, जिस बंदे ने रखी थी मेरे हाल में कोई स्पोर्ट्स शौकीन था वो। ठीक है, तो उसने इंटेक लगाई हुई थी, वो हमने हटाया है। इसमें अपनी जो जेन्युइन इसकी चीज़ें हैं वो हमने फिर इसमें लगाई हैं। अच्छा ठीक है, सही लग रही यार माशाल्लाह, सही है। मतलब कि अभी जो मैं देख रहा हूँ ना, अब असल में इसने मुझे बुलाया भी था कि यार ये गाड़ी अगर तैयार की जाए तो कितना भी खर्चा आ जाता है। हाँ इसको आपको बताया था। हाँ तो अभी ये स्पोर्ट्स लुक का ये है कि अभी अगर बम्पर यही इस्तेमाल करना है ठीक है ना, तो फिर इसी को रिपेयर होके साफ़ सुथरा होके, टूटा तो नहीं है कहीं से? कहीं से नहीं टूटा। हाँ तो ये तैयार होती है मेरे ख्याल से। अभी इसमें डेंटिंग पेंटिंग आजकल जो अच्छा वाला जो मांग रहा है ना बंदा, जो छील के करने वाला, वो 2 लाख तक मांगता है। ठीक है ना, क्योंकि इस गाड़ी की अभी बॉडी में ढलक काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, और आपने जैसा बताया कि प्रोटीन से भरी हुई है ये। भरी हुई है। ठीक है, अब इसमें 2 लाख रुपये लगता है। अगर आपकी नॉर्मल भी कराते हैं 1 लाख रुपये में होता है। ठीक है, डेंटिंग पेंटिंग महंगाई होगी है ना। अभी जैसा कि देख सकते हैं ना ये प्रोटीन, ये अपनी मजा वाला हिसाब हुआ है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसकी लाइटें नहीं जलेंगी। ठीक है ना, ये 2.5 लाख रुपये में ना गाड़ी 50,000 रुपये पर कॉस्मेटिक पे लग जाए अंदर बाहर। ठीक है ना, और 2 लाख रुपये में, 2.5 लाख रुपये में ये गाड़ी ऐसी शीशा तैयार होती है, क्या बात है। ठीक है ना, 2.5 लाख मतलब 3 कर ले, ये 50 जो रह गया उसका भी कुछ ना कुछ मुझे पता होगा। मैं 50,000 रुपये की असेंबली नहीं डाल ले, गेयर इंजन अच्छा डाल ले, तो वो चीज़ें हैं बकाया। तो तेरे सामने टायर रिम बंदा खरीद लेता है। तो करने हैं वो, तो चेंज करने हैं। हाँ ये कह रहा था कि मैं बेच रहा हूँ, लेकिन अब कार भाई ने मशवरा दिया है कि यार इसको एक अच्छी लुक दो। हाँ, जब भी कार शो होते हैं हम लोग ऐसी गाड़ियाँ देख के हमारे दिल खुश हो जाते हैं, तो अपने पास जब है तो उस पर खर्चा कर। देखो ना, मैं यही बता रहा था एफएक्स से जब इतनी माशाल्लाह इतनी अच्छी जंप ली है तो। और हाँ ये दोनों को दिखाता हूँ ज़रा, इकट्ठे हो ज़रा, ऐनक उतार, बाल सही कर, ये दोनों जुड़वा हैं तो बस 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि अभी वो ज़रा गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है, ये प्राइवेट कर रहा है, तो फर्क तो पड़ता है ना। वो आराम करते हैं, हम काम करते हैं। आराम करते हैं, तुम आराम करते हो। सो व्यूअर्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा? ये मेरे दोस्त थे और बचपन के, आपको कैसा लगा रिव्यू आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इंशाल्लाह इसी तरह के रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इनके चैनल जाकर सब्सक्राइब करें, बड़े ज़बरदस्त मेरे दोस्त हैं। और किनका? इनका भी चैनल सब्सक्राइब करें और हमारा भी सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ देखें, लाइक करें। अगली वीडियो तक के लिए इनको इजाज़त दीजिए और हमें भी अल्लाह हाफिज़।